हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को बताया, डेली सुबह 8 बजे हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए करंट अफेयर की एक छोटी सी क्लास होती है, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा में। जीके के सेक्शन में 10 से 12% केवल करंट अफेयर का ही पूछा जाएगा, इसीलिए डेली सुबह 8 बजे स्पेशली करंट अफेयर की क्लास आप सबके लिए चलती है। तो क्लास को मिस मत किया करें। करंट अफेयर की क्लास जो छूट गई आपकी, वो प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं। सारे प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए क्लास को, आप वहां से एक एक करके रिवीजन भी कर सकते हैं और जो क्लासेस छूट गई उनको कवर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का लाइक का एम 300 लाइक का एम रखता हूं, तो प्लीज कंप्लीट जरूर करना। करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल नहीं मिल रही थी, लेकिन अब से अगर आपको 300 लाइक कंप्लीट करवा देंगे इस क्लास पे, तो पीडीएफ फाइल भी मिलने लगेगी टेलीग्राम पे, वो भी करंट अफेयर क्लास की, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करने में पीडीएफ बहुत मदद करेगा। तो सब लोग जल्दी से सबसे पहले लाइक कर दें एंड शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना। नेक्स्ट क्लास 11 बजे होगी जीके की और शाम 7 बजे हिंदी की होगी। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर कुछ आपको हमसे पूछना है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे। इंस्टाग्राम का भी लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। दोस्तों, अगर आप सरकारी सीट की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप के पास पैसे की दिक्कत है, अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज नहीं ले सकते हैं, तो आप सरकारी सीट के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सही दिशा और सही रणनीति बनाकर तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे द्वारा एक क्रैश कोर्स तैयार किया, इसकी कीमत मात्र 149 रुपये। इसमें 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है विथ एक्सप्लेनेशन, और आपके सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, जैसे हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके के जितने टॉपिक होगा वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस मिल जाएगा। यहाँ पर लिंक इस कोर्स को बाय करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, या फिर एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, आप उस पर भी मैसेज करके इस कोर्स का डिटेल ले सकते हैं कैसे खरीदना है। तो चलो भाई, इसको भी लेना है जाकर आप लिंक से परचेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27 है करंट अफेयर का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर दीजिए भाई। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉमेंट करते जाओ भाई सभी लोग, जितने लोग चैट में जुड़े हैं लाइव। 27, बहुत बढ़िया। 27 का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन एज पब्लिक गुड, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ने जवाब सही दिया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है। विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाले ड्राइवर लेस कारों को चलाने की अनुमति दी है। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, जितने लोग जुड़े हैं भाई सभी लोग आंसर करने का प्रयास करें, गलत जाए कोई दिक्कत नहीं है। 28 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, बता दो। बी का उत्तर हो जाएगा, ब्रिटेन ने दिया है भाई। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 29 है। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जरूर कॉमेंट करके बताएं हमें। 29 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 29 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी का उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 30 है। चलो प्रश्न है, उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली पहली एक महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर दें आप लोग। 30 का सी गड़तर हो जाएगा, कंचन है भाई इनका नाम। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 31 है। मई 2021 में किस भारतीय मूल को लेखिका को 15 व शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर दे, जिसने भी लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करें एंड शेयर भी कर दो भाई। 31 का बताओ आंसर क्या हो जाएगा, 31 का बता दो भाई। बिल्कुल 31 का आंसर आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है। प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर दें, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? थर्टी टू का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक का उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 33 है। DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया, जिसका नाम क्या है भाई? 33 का उत्तर दें, 33 का राइट आंसर बताते चले सभी लोग। बहुत बढ़िया, 33 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, रक्षिता। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 34 है। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 के बीच हाइब्रिड रूप से कहाँ आयोजित किया गया था भाई? क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब दीजिए आप लोग। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं?
34 का सी का आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 है, ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिमनास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। 35 का उत्तर दीजिए, 35 का राइट आंसर बताएं सभी लोग। बहुत बढ़िया, 35 का उत्तर आपका ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, दीपक काबरा। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है। 36 का उत्तर दीजिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, पोर्ट ब्लेयर, कावारती, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए का उत्तर हो जाएगा भाई, मुंबई सही है। अगला देखो भाई 37 नंबर, 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए भाई। 37 का उत्तर दीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है। बिल्कुल 37 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, बहुत अच्छा। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया है। 38 नंबर का जवाब दें आप लोग, 38 का उत्तर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा भाई, वाराणसी। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 है, FAO द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। 39 का जवाब दें आप लोग, बी का उत्तर हो जाएगा भाई, हैदराबाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 है, एनगोजी ओकोंजो इवेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है, उनका संबंध किस देश से पूछा गया है भाई। 40 नंबर का उत्तर दें आप लोग, 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का बी का उत्तर हो जाएगा, नाइजीरिया है, नाइजीरिया के हैं भाई। 41 नंबर देखो, फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब दें आप लोग भाई, 41 का उत्तर बताओ, 41 का एक उत्तर हो जाएगा इसरो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर दो भाई, 10 लाख का नोट बताओ, 42 का उत्तर दो। का उत्तर आपका ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, वेंजुएला। अगला देखो भाई 43 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं भाई, 43 नंबर का जवाब देते चलें, 43। का उत्तर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, थॉमस बॉक्स, क्या हो जाएगा 43 का बी। अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 44 है, COVID-19 के मरीजों को अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया। क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब दें आप लोग, 44 नंबर का डी का उत्तर हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई शांता का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। 46 नंबर देखिए, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब दें आप लोग, 46 का ए का उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 47 है, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 47 का उत्तर बताइए, 47 का बी का उत्तर हो जाएगा भाई, सुशील चंद्रा। अगला देखिए 48 नंबर, समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य ने बनाने की योजना है, राज्य में बनाने की योजना है भाई बताओ। क्वेश्चन नंबर 48 का उत्तर दिए, दो क्वेश्चन और बचे हैं भाई, सभी लोग क्लास को लाइक करके जाइएगा। 48 का उत्तर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने ये रहा, प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता। 49 का उत्तर दें, 49
49 का बी गलत हो जाएगा, मार्क स्लेबी। अगला देखिए 50 नंबर अंतिम प्रश्न है, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर दें भाई। 300 का लाइक का एम रखा हूँ, लाइक कर दो तो पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा टेलीग्राम पे, पीडीएफ लेना है तो भाई लाइक करो सब लोग। 50 का उत्तर क्या हो जाएगा, 50 का बी हो जाएगा, 126वां संविधान संशोधन। तो इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही किए होंगे। इसके बाद अगली क्लास समान ज्ञान की लाइव होगी 11 बजे, आइएगा जरूर। और बी टॉपर 2.0 चैनल जो हमारा नया चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे पहले सुबह 7 बजे उस पर हिंदी का एक छोटा सा टेस्ट लिया उसको भी जाकर देखिए और बताइए क्या 25 में 20 प्रश्न सही कर पाएँ उसमें कि नहीं।